स्क्रीन शेयर हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि रोज़ की तरह आप लोगों को पता होगा कि हमारी लर्निंग क्लास होती है पर डे 9 बजे, चाहे संडे हो या मंडे, अपनी क्लास पर डे रहती है। और हमारे जो साथ में क्लास में ज्वाइन करने वाले लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और वो बस वेट करते रहते हैं कि कब टाइम हो और 9 बजे हम क्लास ज्वाइन करें। तो ऐसी क्लास आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, बस उसके लिए आपको लर्निंग क्लास में जुड़ने के लिए कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कीजिए और वहाँ से आपको आपको एक लिंक दे दी जाएगी, उसके थ्रू आप डेली कनेक्ट हो सकते हो। और ये क्लास टोटली फ्री है, मैं किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, चाहे वो लर्निंग क्लास की हो चाहे सजेशंस की हो। मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड लेने का किसी भी प्रकार का किसी को भी सजेशन नहीं देता हूँ कि ट्रेड सिग्नल दूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ। ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, तो वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है। और जो मार्केट पर डे मूवमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पे क्या सेटअप बना था, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था, वो सारा चीज़ हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता है हमारी टीम के साथ। हमारी टीम अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वो अभी कहा जाए तो 7-8 लोग ही हैं, और इनमें से अगर 5-6 लोग भी निकल के आ गए अच्छे, तो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा, मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं एक से बढ़ के एक धुरंधर निकलें, एक से बढ़ के एक शेर निकलें, वो अच्छा करें, सीखे, समझे और अर्न करें। क्योंकि मार्केट ऐसा है कि ये मार्केट ऐसा है कि आप यहाँ से जितना लेके जा सकते हो उतना ही लेके जा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हो। कम लेके चले जाओगे लेकिन ज़्यादा नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि वो हमारे गुरु जी कहते हैं जितना आपके उसमें गूदा है उतना ही लेके जा पाओगे। यहाँ तो भरा पड़ा है, पूरा समुद्र है ये पैसों का। ये शेयर मार्केट ऐसा है कि पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग, जो हमारा सेबी का जो डेटा कहता है वो कहता है कि 80% लोग, मतलब 88% है शायद, 88% लोग जो है इसमें लॉस करते हैं और सिर्फ 12% लोग ही इसमें सक्सेस हैं। ये पहले रेशो था 90-10 का, अभी कोरोना के बाद से संख्या जो बढ़ी है ट्रेडर्स की उसमें ये निकल के आया कि 2% सक्सेसफुल लोगों की थोड़ा संख्या बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने इसको सीखा समझा, इसके बाद में ट्रेड चालू किया। तो आप लोग भी ऐसे सीख समझ के आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग चालू कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब भी करते हैं, तो साइड में इसको एक अपना मेन वो ना बना के एक साइड बेस का साइड इनकम भी बना सकते हैं। और जो लोग प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग भी पहले सीखे समझे, इसके बाद में फुल टाइम ट्रेडिंग का डिसीजन लें, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा लेक्चर देना, कभी कभी मुझे लग जाता है कि ये लेक्चर देना चाहिए, हालांकि चीज़ें सबको पता रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ें तो हमको पता है, आप क्यों बता रहे हो। तो कभी कभी ये माइंड साइकोलॉजी की चीज़ें भी निकल आती है मेरे मन से, जिसको एक्सेप्ट करना हो, जिसको लेना होगा लेगा ज्ञान की बातें, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग अच्छा कमेंट करेंगे, कुछ लोग ख़राब कमेंट करेंगे, तो कमेंट से तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं जो मुझे करना है वो मैं करके रहता हूँ और करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे हाथी अपनी चाल से चलता रहता है ना रास्ते में, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। मेरा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला चार्ट है उसको मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। देखिए, ये आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग ज़रूर करी है, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। जैसा कि मैंने हमारे लर्निंग ग्रुप में सुबह ही बोला था कि ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, और ओपनिंग के बाद देखना ये है कि ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में है ये, ठीक है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर इसको आप लोगों को दिखाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सेम मैं इसको लोड कर लेता हूँ।
या मैंने इसको लोड कर लिया, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोला था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे, अगर थोड़ा सा रुकता है तो फिर वो अपसाइड जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे रुका नहीं है। मार्केट ने डायरेक्टली पहली कैंडल से ही नीचे गिरना चालू किया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रीवियस डे का हाई पॉइंट था, ये प्रीवियस डे का हाई पॉइंट था, यहाँ पे आके उसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे होंगे, इस कैंडल में मैंने एक छुटकू सा ट्रेड मारा था, उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये ऊपर गया, एक ही कैंडल ने ये यहाँ तक मूवमेंट दे दिया था, तो उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। रीज़न ये है कि अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस लाइन को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था एक हिसाब से, ये इसके लिए क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आप इसको देखिए, कंटिन्यूसली इसने उसी का काम किया, थोड़ा सा मूवमेंट किया है मार्केट ने, ज़्यादा नहीं किया। इसको मैं फिर से लगता मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पर ये जो लेवल है, आप इसका कल का जो हाई पॉइंट था वो लगभग लगभग इसने रिस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर नहीं निकला। थोड़ा बहुत देखिए 10-50 पॉइंट तो चलता है बैंक निफ्टी में, ये तो नॉर्मल चीज़ है, और जब इस तरह की मूवमेंट होती है 10-50 पॉइंट के ऊपर या नीचे, तो हमारा प्रीमियम इतना ज़्यादा, प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो जब ये इसके इस लेवल को जैसे इसने क्रॉस किया था, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा होगा, और इस कैंडल में मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था मुझे। और जब एक ही कैंडल ने, फिर मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे क्लोजिंग है, और क्लोजिंग पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई और ग्रीन कैंडल यहाँ तक आई, तो मैंने इसको एग्जिट भी कर दिया। यूँ कहें कि मुझे बहुत कम प्रॉफिट हुआ आज। और जैसे ये कैंडल यहाँ तक लेके गई, इसके बाद में फिर ये धीरे धीरे कुछ कंसोलिडेशन करता रहा, इसके बाद में मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। ये वाला मूव जरूर थोड़ा सा, ये भी अच्छा मूव था, ये वाला थोड़ा मुझसे मिस हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ने इस तरह का मूवमेंट बनाया, मेरी नज़र तो थी यहाँ पर, लेकिन मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं यहाँ पर, क्योंकि दो चीज़ें थी मेरे ट्रेड न लेने की। मेरी जो आदत है वो थोड़ा अलग टाइप की है, जैसे दूसरे लोग, डॉक्टर साहब आप मत लीजिएगा कि आपको बोल रहा हूँ, जो लोग स्कैल्पिंग करते रहते हैं उनके लिए बता दूं कि स्कैल्पर जो होते हैं वो छोटे मोटे ऐसे ट्रेड, छोटा मोटा मोमेंट भी पकड़ के वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं मार्केट में क्या चीज़ें देखता हूँ, बड़ी मूवमेंट देखता हूँ हमेशा, मैं बड़ी बड़ी कैंडल्स देखता हूँ, और उस दिन ट्रेड नहीं लेता हूँ जिस दिन मार्केट ये छोटी छोटी कैंडल बनाता है इस तरह की, छोटी छोटी कैंडल। प्लस मैं एक चीज़ और ध्यान रखता हूँ, पहला मेरा रूल है कि उस दिन ट्रेड नहीं लेता जब जब कैंडल जो हमारी बनती है वो स्मॉल बनती है, ठीक है। ये आप लोग नोट करके रख सकते हैं, स्मॉल कैंडल में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। जब छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगती हैं तो फिर वहाँ पे मेरा यहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है, मेरा मन कहने लगता है कि घुसने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग यही है सबसे बड़ी, अपनी जो ट्रेडिंग की जो खूबियत है, जो कला है, वो यही है ट्रेड ना लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आप जब देखोगे, हर एक कैंडल को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, हर एक कैंडल आपको बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आपको हर एक कैंडल बुलाएगी। जैसे यहाँ पे ये कैंडल ने बुलाया आपको, ठीक है ना, एक कैंडल ने यहाँ पे, अब ये नीचे साइड तो आई, यहाँ तक का मोमेंट मिल गया, लेकिन दूसरी कैंडल ने यहाँ तक का भी मोमेंट कर दिया अगर, तो आप यहाँ पे घबरा जाओगे। क्योंकि आज जो कैंडल्स बन रही थी, मैं पहले कैंडल बता दूँ कहाँ कहाँ मैं ट्रेड नहीं लेता। पहली, जब कैंडल्स स्मॉल बनने लगती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, तब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरी रहती है जब कैंडल की विक, ये विक देखेंगे आप, हर एक कैंडल में बड़ी बड़ी विक निकलने लगे, हर एक कैंडल में देखो आप, विक ज़्यादा निकली हो, चाहे ऊपर साइड निकली हो चाहे नीचे साइड निकली हो, लेकिन विक ज़्यादा निकली, जब विक ज़्यादा निकलने लगती है कैंडल में, उस दिन भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। विक निकलने का मतलब ये होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो विक की स्पेलिंग शायद पता नहीं क्या होती, डॉक्टर साहब बताएंगे फिर बाद में, अभी मैं ये लिख देता हूँ, आप तो ये समझो। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गांव वाला हूँ, इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी रख दिया गांव वाला ट्रेडर, ठीक है। तो मैंने ये वीक लिख दिया है, अब ये कौन सा वीक है आप लोग जानना, और अगर स्पेलिंग गलत हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि जिस दिन कैंडल्स छोटी छोटी बने, स्मॉल कैंडल्स बने, उस दिन अपने को नहीं घुसना है। दूसरा, जिस दिन कैंडल्स में विक ज़्यादा निकले उस दिन भी नहीं घुसना है, उस दिन हमें ट्रेड अवॉइड करना है। अगर
इन वीक के बीच में कुछ ऐसा मोमेंट बनता है तो हम एक चांस ले सकते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी से, बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी से हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड बना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ये चैनल क्रिएट करा था, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एक ये बड़ी बिग बनी, फिर ये जो भी कैंडल्स बनी बीच बीच में बड़ी बड़ी बिग वाली कैंडल्स बनती रहीं, तो फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर भी छोटा सा मैंने एक ट्रेड मारने की कोशिश करी थी, बहुत छोटा ट्रेड मारा था, और मैंने अपने डॉक्टर साहब को बोला भी था कि एक टारगेट अचीव हो। मैंने उनको ये भी बोला था कि दो ट्रेड लिए, तो मेरा पहला ट्रेड ये था और दूसरा ट्रेड ये था, बहुत छोटा था। इसमें मैंने देखा कि मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इसमें ये एक झटके में इस कैंडल ने थोड़ा सा मूवमेंट किया लगभग 40-50 पॉइंट का, जिसमें मुझे प्रीमियम में मुझे लगभग 15 या 18 रुपए का उसमें वो हुआ था, ठीक है, 15 या 18 रुपए का। तो उसको मैं इतना ही लेके चुपचाप निकल गया, ठीक। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है कि मार्केट है कैसा, किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। जिस दिन मार्केट में लंबा मूव आएगा उस दिन हम ट्रेड लेंगे, जिस दिन अपसाइड का लंबा मूव आएगा उस दिन ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इस तरह धीरे धीरे भी ऊपर जा रहा है, जैसा आज धीरे धीरे ये ऊपर गया है, आप किसी भी कॉल साइड उसका कॉल साइड का प्रीमियम आप उठा के देखोगे, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके ऑप्शन का जो प्रीमियम देखोगे ना, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत देखिए 2-4-10 पॉइंट, 15 पॉइंट 20 पॉइंट थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ इतने मोमेंट से। मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप उठा के देखोगे ना इस लेवल से, तो आप किसी भी कॉल ऑप्शन का वो आप उठा के देख लेना कि ये क्या कर रहा था। मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखी थी कि ये जो लेवल था इसको कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, और इसने लगभग लगभग अपना एक 100 पॉइंट का इसने क्या बना दिया था, चैनल बना लिया था। अब मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने का जो ना लेने का जो वो था कि भैया ये चैनल में फंसा हुआ है और पूरा दिन निकाल दिया है, और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि ठीक है यार शायद है कि ऊपर साइड निकल जाए लास्ट मोमेंट में। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि लास्ट मोमेंट में 3 PM पे मार्केट जो है 3 PM या 3 PM के बाद यहाँ पे थोड़ा मोमेंट कर देता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये विक भी ऐसी बना रहा है और फिर ये स्कैंडल में मैंने छोटा सा ट्रेड भी लिया जिसमें वो हुआ, तो फिर मैंने जल्दी ही एग्जिट कर दिया, यहाँ पे इस कैंडल पे ही एग्जिट कर दिया था। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मार्केट का किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा होता है जब एक ही कैंडल या दो कैंडल, जैसे प्रीवियस डेज को मैं आपको दिखाऊं चार्ट, तो जब इस तरह की कैंडल्स बनती हैं यहाँ पे जो बनी हुई हैं, जब कैंडल कंटिन्यू इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो हमें बहुत लंबा प्रॉफिट होता है और बहुत जल्दी प्रॉफिट होता है, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमें जो है ना इस तरह के मूवमेंट पकड़ना चाहिए, जो कि मैंने कल की जो मेरी क्लास थी तो मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि हमें क्या पकड़ना है, फास्ट मूवमेंट पकड़ना। पहला मैंने पॉइंट ही यही रखा था कि हमें क्या पकड़ना है, फास्ट मूवमेंट पकड़ना है, ठीक है। ये धीरे धीरे स्लो मोशन वाले नहीं चलेगा, स्लो मोशन वाले में क्या होता है कि हमारा टाइम डिके लग के और वो प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटता रहता है, तो हमें फास्ट मूवमेंट पकड़ के चलना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ आज बना नहीं तो मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, हाँ ये बता सकता हूँ कि थोड़ा सा कल का लेवल क्या हो सकता है। चलो कल की लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब को कुछ बोला था कि क्लास में बताऊँगा कप एंड हैंडल। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि कप एंड हैंडल बन रहा है, तो डॉक्टर साहब की जानकारी के लिए बता दूँ कि कप एंड हैंडल हम कहाँ पर उसको क्या करेंगे। यहाँ पर शायद डॉक्टर साहब को कप एंड हैंडल दिखा था, यही दिखा था शायद डॉक्टर साहब को कप एंड हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल हम कहाँ पे वो फॉलो करते हैं, नहीं इन्वर्टेड वाला शायद कुछ बोला था डॉक्टर साहब ने, इन्वर्टेड है ये वाला। हाँ, तो मैंने बोला था कि इन्वर्टेड है वो कप टूट गया, तो चलिए मैं इन्वर्टेड हैमर उनका ड्रॉ करके बताता हूँ कि कहाँ पे उनने मुझे बोला था कि कप एंड हैंडल ये वाला शायद ऐसा उन्होंने ड्रॉ किया था, और ये ऐसे आया था फिर ये ऐसे, तो इन्होंने इसको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना के ये भेजा था, ठीक है। ठीक है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेरा जो व्यू रहता है, मैंने तो उस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैंने देख लिया था कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो छोटी छोटी बन रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक कैंडल में आप देखो विक बनी हुई है, तो जब विक ज़्यादा निकली रहती है ना, तो उस
वो वाला पैटर्न में मतलब यूँ समझो कि उस दिन मैं ट्रेड ना के बराबर लेता हूँ। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, कभी आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व ना किया हो तो आप लोगों को बता दूँ, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए खास है ये। देखिए हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग सोचना होता है और हर एक व्यक्ति को पर डे प्रॉफिट नहीं होता है, किसी दिन लॉस होगा किसी दिन प्रॉफिट होगा। और आप लोग ऑब्जर्व करना, अगर नहीं किया हो तो ऑब्जर्व करना कि एक पर्टिकुलर डे होता है कि अपनी स्ट्रेटजी उस दिन काम नहीं करती है। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरी मंगलवार को मैं कोई भी अच्छा ट्रेड भी मार दूं, पहला ट्रेड मारूंगा मेरा प्रॉफिट होगा, पहला ट्रेड मारूंगा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा सेकेंड ट्रेड हमेशा गलत होगा। और अगर मैंने उस सेकेंड ट्रेड को सही करने की कोशिश करी तो फिर यूँ समझ लीजिए कि फिर वो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो भी लेके चला जाएगा। इसलिए मैं मंगलवार के दिन, आप लोगों को क्लियरली बताऊं, मैं मंगलवार के दिन ट्रेडिंग बहुत कम करता हूं। जब कुछ मेरा सेटअप इस तरह का बनता है, किस तरह का आप समझिए, मैं तो वेट करता रहता हूं कि मुझे इस तरह का चाहिए, ये वाला जो कल बना था, सॉरी लास्ट डे बना था, ये वाला जो बनता है ना, इसको जरूर नहीं छोड़ता, चाहे वो मंगलवार को बने, चाहे शनिवार को बने, चाहे शुक्रवार को बने, किसी भी दिन बने, इसको नहीं छोड़ता। अगर ये वाला बन गया तो मैं मंगलवार के दिन में घुस जाता हूँ। बाकी मंगलवार के दिन पता नहीं क्या है मेरे साथ, मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ और फास्ट भी करता हूँ, उसके बाद भी मेरा मंगलवार को जो है लॉस हो जाता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ मंगलवार के दिन। बस अगर ऐसा कुछ बनेगा तो फिर मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। चलिए मैं आपको कल के लेवल्स एक बार बता देता हूँ। इसको मैं पहले डेली टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में मुझे एक्चुअल पता चलेगा कि चल क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है, इसको मैं देखिए क्या हो रहा है भैया, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ तक मार्केट गया, मार्केट ने एकदम से उछाल मारा और आज की जो हमारी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ही हुई है, यहाँ तक कि इसके विक के ऊपर ही हुई है। ठीक है, तो अब कल का मार्केट जो है आप देखोगे, अगर सेम लेवल पे कहीं ओपन होता है, सेम लेवल पे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ कहीं सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर साइड जाएगा ना, तो फिर ये जो हमारा लेवल है ये वाले लेवल को टच करके हो सकता है हमारा 45,000 भी ये टच कर दे, ये 45,000 भी टच कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं मतलब ये हमारा 350 से लेकर 44,500 के बीच में कहीं ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, तो हमें मार्केट का मोमेंट देखना रहेगा कि वो किस साइड जा रहा है, जो प्राइस एक्शन बनेगा हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होता है और जो प्राइस एक्शन बनाएगा तो वो फिर उस साइड जाएगा ही जाएगा और थोड़ा मोमेंट देगा, ज़्यादा मोमेंट देगा, थोड़ा इन द सेंस कि वो 250-300 पॉइंट का मोमेंट देगा अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार की बात है तो मंगलवार को मैं आपको बता दूँ कि मंगलवार के दिन आप लोग बैक टेस्टिंग करना, मंगलवार के दिन ज़्यादा मोमेंट नहीं होती है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी किसी किसी मंगलवार को आपको मोमेंट मिल जाएगी, लेकिन मंगलवार को ज़्यादा मोमेंट नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये इस लेवल पे ऐसे खुले और यहीं के यहीं वो ख़त्म भी कर दे, पूरा दिन निकाल दे, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू अब कल के लिए वो मेजर जो रहेगा वो इस लेवल को देखना है, अगर इस लेवल को कहीं वो क्रॉस करता है, यहाँ पर लेवल हमारा क्या निकल के आ रहा है 659, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा 44,666 कर दूंगा, 666। यहाँ पे ये हमारा इस लेवल के आसपास जो है थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो फिर ये ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बन रहा है वहाँ पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि जैसा कि बताया कि अगर इस लेवल को निकालता है, जो आज का
ओपनिंग लेवल था, इस लेवल को अगर इसी ले यहाँ पे ओपन हो के और ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमारा जो अभी बताया हमने 44,666 के लेवल को क्रॉस करते हुए, ठीक है। अगर नीचे साइड कहीं आता तो ये तो आप देखो यहाँ पे खुद ही एक हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखा है उसी के अंदर ही अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा अगर यहाँ पे ओपन हो के और ये कुछ ऐसा कुछ हमारा सेटअप बना देता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी बैठा हूँ। लेकिन नीचे साइड के लिए पहला रेजिस्टेंस ही हमारे लिए ये इसके नीचे ये लेवल रहेगा 350 का, ठीक है। ये हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे नीचे 350 का है। उसके बाद अगर ये 350 के लेवल से नीचे गिरता है तो फिर ये जा सकता है हमारा 200 के लेवल के आसपास तक ये जा सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। आज कुछ खास बताने के लिए मेरे पास ऐसा मन नहीं है क्या बताऊँ। अगर मेरे टीम मेंबर्स कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, तो फिर कुछ सेटअप वगैरह भी बता सकता हूँ।